Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप का आज अमेजिंग से रोज सुबह दस बजे आप लोगों की क्लास होती है और अन अकेडमी प्लस के एकाग्रता बैच में थर्सडेज फ्राइडेज और सैटरडेज को सुबह दस बजे मेरी क्लास होती है यहां पर सारे के सारे लेक्चर्स लाइव होते हैं यहां कुछ लेक्चर्स कभी लाइव होंगे कभी रिकॉर्डेड होंगे तो अगर आप चाहते हो कि आप हंड्रेड परसेंट

इस बैच में हम लोग आपको पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों के डाउट सॉल्व होते हैं नाइन हंड्रेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच में फ्लेजेड टेस्ट है। होते हैं इकोनॉमिक्स के और मैथ्स के जिसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होती है और आप लोगों को पता चलता है कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हो और कैसे उसको आप लोगों को टाइम मैनेज करना चाहिए वगैरह वगैरह ये सारी चीजें

ये सब हो गया था ये सब हो गया था ये सब कितना सारा कर लिया यार कैन यू इमेजिन इतना सारा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, Amazing. All right. I think triangle वाला question, daughter, triangle के बाद डॉटर वाला भी कर लिया था हम लोगों ने उसके बाद ये वाला ड्रॉट ड्रॉट वाले क्वेश्चन से आज हम लोगों को सॉल्व करना शुरू करना है ठीक है तो चलो आ जाओ सर ड्रॉट वाला क्वेश्चन देखते हैं देखो क्या बोल रहा है यहां पर How many arrangements can be made after the letters of the word "rot"? The vowels never being separated. तो ये तो वही वाला हो गया ना? Vowels always together. कल हम लोगों ने failure वाला question क्या था? Failure वाले question में भी तो यही था. Vowels always together. बड़ा simple सा question हो गया. Vowels D R A U G H T. Consonants कौन-कौन से हैं? D R A U G H -T. T. तो वॉवल्स को एक साथ ले लो वॉवल्स को एक यूनिट कंसिडर कर लो और फिर डी आर जी एच टी तो कितने डिस्टिंक्ट यूनिट्स हो गए डिस्टिंग दो तीन चार पांच फैक्टोरियल एंड ए और यू आपस में कैन बी इन फैक्टोरियल वेज तो दिस इज योर आंसर सिक्स इंटू वन ट्वेंटी इंटू टू वन थाउजेंड ऑप्शन ए इज योर आंसर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन

इकोनॉमिक्स की छह किताबें हैं मैथ्स की तीन किताबें हैं अकाउंट्स की दो किताबें दो ठीक है इन सबको हमेशा साथ में होना होगा राइट सर मैं भी परम्यूटेशन खेलता रहता हूं अगर यूट्यूब पे गुड मॉर्निंग बोलू या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुभम गुड मॉर्निंग देखो तो अभी आपके पास छह बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की ई वन ई टू थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स ठीक है मैथ्स की तीन बुक्स हैं एम वन एम टू एम थ्री

थ्री फैक्टोरियल वेज में इनका अरेंजमेंट हो जाएगा दीज सिक्स बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी आपस में अरेज इन सिक्स फैक्टोरियल वे थ्री बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी आपस में अरेज इन थ्री फैक्टोरियल एंड टू बुक्स ऑन अकाउंटेंसी कैन बी आपस में अरेन्ज इन टू फैक्टोरियल तो दिस विल बी योर आंसर तो देखो थ्री इंटू टू इंटू सिक्स इंटू वन टी इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू और ये आपका आता है फिफ्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी ऑप्शन बी इज योर आंसर ठीक है वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन वाला क्वेश्चन देखो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म बाय यूजिंग एनी थ्री और फाइव डिजिट्स नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपके पास ये है वन टू थ्री फोर फाइव आपको डिफरेंट डिजिट्स बनाने हैं डिफरेंट नंबर बनाने थ्री डिजिट्स को सिलेक्ट करके ठीक है तो आप इन पांच में से तीन नंबर को पहले सेलेक्ट करोगे और उसके बाद उनको अरेंज करोगे इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल तो ये आपका मेरी बन जाएगा तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सिक्स पहले वाले का आंसर तो आपके पास आ गया सिक्सटी ठीक नाउ दूसरा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म च विल बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट मतलब आपके पास अभी यह पांच डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है नाउ सपोज क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको इसमें से थ्री डिजिट नंबर्स बनाने आपको इसमें से थ्री डिजिट नंबर्स बनाने सच दैट द नंबर ऑलवेज बिगिन विदेसिफाइड डिजिट मतलब इन पांच में से कोई एक पर्टिक्युलर डिजिट है इन पांच में से कोई तो एक पर्टिकुलर डिजिट है स्पेसिफाइड डिजिट मतलब वही उसी डिजिट से स्टार्ट होगा और किसी और डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा ठीक है तो इन पांच में से कोई एक पर्टिकुलर डिजिट है जो हमेशा यहां पर आएगी ठीक है तो मैं मान लेता हूं मैं ऐसी मान लेता हूं कि सपोज दैट डिजिट इज टू ठीक है कि हमें इन पांच डिजिट्स को यूज करके एक थ्री डिजिट नंबर बनाना है एक नहीं जितने भी थ्री डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं उतने बनाने कंडीशन क्या है कि वो जो थ्री डिजिट नंबर्स हम लोग बनाएंगे वो हमेशा से स्टार्ट होने चाहिए ठीक है मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं समझा रहा हूं पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो ठीक है आपके पास पांच डिजिट्स दी हुई हैं वन टू थ्री फोर फाइव और आपसे कहा हुआ है कि आपको इन पांच डिजिट्स को यूज करके थ्री डिजिट नंबर्स बनाने हैं और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि वो हमेशा टू से ही शुरुआत होनी चाहिए उनकी

ठीक है तो नाउ यू टेल मी इन हाउ मेनी आई फिल दिस इन हाउ मेनी this first प्लेस मैं आप लोगों से सीधा हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस फर्स्ट प्लेस जल्दी बताओ विकास गोयल कह रहे वन रोहित कुमार को मतलब नहीं है क्या पूछ रहा हूं मैं विशाल कुमार कह रहे हैं वन विवेक कुमार को भी मतलब ही नहीं है क्या पूछ रहा हूं मैं सागर दास कह रहे हैं वन शुभम वन राजश्री वन गंगा सागर वन दिल नवाज वन बस बहुत बढ़िया तुम सब लोग एकदम सही बता रहे हो परफेक्ट है क्योंकि इस वाली प्लेस पे सिर्फ टू ही भरा जा सकता है इसलिए दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे ठीक है दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे तो यहां पर टू को भर दिया नाउ टू इज बींग एलिमिनेटेड नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस फोर वेज ना एक दो तीन चार दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज

यहां तक सबको समझ में आ गया यहां तक क्लियर है सबको टोटल ट्वेल्व थैंक यू डबल ओ सेवन कुमार जी बाघ ट्वेल्व वेरी नाइस तिलक पति आंसर इज ट्वेल्व अभिमन्यु ट्वेल्व विशाल कुमार दिलनवाज़ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ऑल आइट रोहन गुप्ता ऑल द बेस्ट ठीक है आपका आंसर आ गया यहां पर ट्वेल्व चलो अब दूसरी चीज देखते हैं उाउन विद स्पेसिफाइड एंड एंड अभी तक कंडीशन थी होगा वो एक स्पेसिफाइड डिजिट से होगा अब जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपके पास ये पांच नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव यू मेक अ थ्री डिजिट नंबर ठीक है और यहां पर भी एक स्पेसिफाइड डिजिट आनी चाहिए

ठीक है मतलब इस वाली प्लेस पे टू के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता और इस वाली प्लेस पे थ्री के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता ठीक है तो इन हाउ मेनी कैन दिस प्लेस बी फिल्ड जब इस वाली प्लेस पे टू के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे अभी अभी हम लोगों ने यहां पर भी यही चीज देखी ठीक है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे यहां पर टू आ गया नाउ दिस इज गॉन ठीक है ऑल्सो यू टेल मी कि इस वाली पोजिशन पर कितनी मतलब इन हाउ मेनी कैन आई फिल दिस प्लेस इन ओनली वन वे ठीक है क्योंकि यहां पर थ्री के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता तो इसको भी वन वे में भर दिया यहां पर थ्री कर दिया यहां से थ्री को कर दिया एलिमिनेट नाउ बचती ये वाली जगह है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कोई कंडीशन नहीं है ठीक है तो इन हाउ मेनी कैन आई फिल दिस प्लेस आई कैन फिल दिस प्लेस इन थ्री वेस तो ये आ गया थ्री ठीक तो वन इंटू थ्री इंटू वन आपका आंसर आएगा थ्री ठीक है तो यार आंसर इज सिक्सटी ट्वेल्व एंड थ्री ऑप्शन ए इज योर आंसर गेटिंग इट एवरी वन ठीक अब हो सकता है एक सवाल आए आप लोगों के मन में अब हो सकता है एक सवाल आए कि सर जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब तो आपने पहली वाली पोजीशन पे पूछा है हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड हम लोगों ने बता दिया दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे उसके बाद आपने दूसरी वाली पोजीशन के लिए पूछा है हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द सेकंड प्लेस लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपने दूसरी वाली प्लेस को स्किप करके डायरेक्टली थर्ड वाली प्लेस के बारे में पूछ लिया है हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस प्लेस

घर पे भी अगर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही होती है या कोई एक प्लान बन रहा होता है और कोई एक इंसान मुंह फुला के बैठा होता है या कोई एक इंसान हल्ला काट रहा होता है तो सबसे पहले उसको चुप कराते हैं या तू तू चुप हो जा भाई तो, अच्छा, भाई तो अच्छा क्या चाहिए तेरे को, क्या क्या चाहिए चाहिए तेरे को रोना गाना बनकर शोर मचाना बनकर ठीक है अब आप सोचो जस्ट बस जस्ट इमेजिन करो ठीक है कि यहां पर इससे मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी किस कैन यू फिल दिस प्लेस इसने बोल दिया वन ठीक है अब मैं अगर इसके पास आ जाऊंगा तो ये पगला नहीं जाएगा एकदम ठीक है ये पगला कैसे जाएगा? वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपने सपोज यहां पर टू भर दिया यहां पर तो इंडिविजुअल तो एंटिटी है ना इस पोजिशन को क्या पता इसके पास थ्री का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि थ्री तो आखिरी वाली प्लेस पे आना है ठीक है तो बीच वाली पोजिशन को क्या पता कि आखिरी वाली पोजिशन पर ही थ्री को जाना है अगर मान लो बीच वाली पोजिशन ने थ्री को अपने पास बुला लिया क्योंकि अगर राइट साइड वाली डिजिट को आप छोड़ देते ठीक है अगर हम लोग इस वाली प्लेस को छोड़ देते और मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछता इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस प्लेस इन तो आपका आंसर इन वोलटेली फोर हो जाता ना अपने आप ही आप कहते हैं अच्छा ठीक है टू एलिमिनेट हो गया चार नंबर्स बचे तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज ठीक है और उन फोर वेज में तो एक नंबर थ्री भी यहां पर आ सकता था

आपको ये वाली बात समझ में आ रही है ठीक गेरिंग इट एवरी वन सब कुछ समझ में आ गया बोलो निश्चे निश्चय निश्निष्ठे बोलो निश्चय निश्चय मनदीप कौर क्या कह रही है सेकेंड प्लेस को पता ही ना चलता उसने चाहा जिसको उसकी चाहत ने चाहा किसी को और को अरे बाप रे बाप खतरनाक मनदीप ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला मार दिया तुमने सुबह सुबह चलो ठीक है चाहतों की बातें होने लग गई वाह चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर एट नाइन इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर हाउ मेनी विल बी ग्रेटर वैन थाउजेंड ऑल राइट सबसे पहली बात तो पहला सवाल पहला सवाल क्या है कि आपके पास ये डिजिट्स हैं कितनी डिजिट्स हैं वन टू थ्री फाइव सेवन

सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर दिस विल बी योर आंसर क्या इज वॉट एट हंड्रेड एंड ठीक है नाउ ये जो नंबर है आपके पास दूसरा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ग्रेटर दैन थ्री थाउजेंड वी हैव वन टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन वी हैव टू मेक फोर डिजिट नंबर्स टेल मी इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस इन हाउ मेनी वेन आई फिल दिस प्लेस पहली वाली पोजिशन को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं जल्दी बताए जल्दी बताए जल्दी बताए जल्दी बताए इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल द फर्स्ट प्लेस तिवांगी कह रियर फाइव कार्तिक कह रहे हैं वन सोनू ने तो सुनाई नहीं मेमोसा कह रिय फाइव धीरज फाइव कार्तिक फोर राजश्री फाइव ज्योति फाइव सौरभ फाइव कुछ लोग कह रहे हैं फोर कुछ लोग कह रहे हैं फाइव ठीक है तो द करेक्ट आंसर इज क्योंकि अगर मैं यहां पर थ्री भी भरता हूं आप लोगों ने सिर्फ फाइव सेवन एट नाइन सोच के यहां पर बताया ठीक है विच इज रॉन्ग क्योंकि अगर कोई नंबर आपका थ्री थाउजेंड समिंग होगा वो भी तो तीन हजार से बड़ा ही होगा ठीक है बट आई एम सो ग्लैड कि आप लोग ने सोचना एटलीस्ट राइट ट्रैक पे शुरू किया ठीक है कि अगर हमारे पास हमें जो भी नंबर बनाना है वो थ्री थाउजेंड से बड़ा होना है ठीक है तो अगर आप यहां पर थ्री भी फिल करते हो ना जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी थ्री को एलिमिनेट करने के बाद फोर बताया आप लोगों को समझा रहा हूं अगर आप यहां पर थ्री भी फिल करते हो तब भी भी जो आपका नंबर बनेगा वो भी तो थ्री uh, तो थाउजेंड तो से बड़ा ही है तो इवन इफ द नंबर स्टार्ट विद्री इट स्टिल तो इसीलिए ये वाली जो प्लेस है दिस कैन बी फिल्ड इन एट और नाइन तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज तो सपोज मैंने यहां पर थ्री भर दिया नाउ थ्री इज गॉन इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस एक दो तीन चार पांच छह दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन सिक्स वे सपोज टू से भर दिया नाउ टू इज गॉन

फाइव पांच डिजिट है ठीक है तो चलो आ जाओ फोर डिजिट नंबर बनाते हैं हम वन टू थ्री फोर आपको जो नंबर्स नंबर वो टू थाउजेंड से बड़े नंबर्स नंबर ठीक है तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस इन इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल द फर्स्ट प्लेस जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल द फर्स्ट प्लेस विकास गोयल फोर विशाल कुमार फोर सेविन जॉन फोर आकांक्षा फोर वेरी गुड यहां पर सब लोग फोर बता रहे हो और आप सब लोग एकदम ठीक बता रहे हो या तो इस प्लेस को मैं टू से भर सकता हूं या तो थ्री से या तो फोर से या तो फाइव से क्योंकि हमारा जो नंबर है वो टू थाउजेंड से बड़ा होना चाहिए तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन फोर वे सपोज मैंने यहां पर थ्री भर दिया ना थ्री इज गॉन

इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू कितना आता है नाइनटी सिक्स आता है नाइन्टी सिक्स आता है ठीक ऑल आइट right. अब जरा मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनो क्वेश्चन में कहा लिखा है कि आपको फोर डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं आप लोग कह रहे हो 96 सिक्स इज आंसर आप लोग ऑप्शन बी मार्क कर रहे हो यहां पर चैट बॉक्स में ऑप्शन बी ऑप्शन बी चल रहा है

तर ऐसे तो थ्री डिजिट नंबर भी बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हो लेकिन क्या थ्री डिजिट नंबर कोई भी दो हजार से बड़ा होगा ठीक है अंडरस्टैंड द लॉजिक क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में था हाउ मेनी फोर डिजिट मेंंबर्स कैन बी फॉर्म ग्रेटर देन थ्री थाउजेंड ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें फोर डिजिट नंबर्स बनाने तो वी टू फोर प्लेसेस टू फिट इस वाले क्वेश्चन में तो कहीं पर मेंशन ही नहीं है कि फोर डिजिट नंबर्स बनाने तो गो नाट फोर डिजिट भी बनाओ फाइव डिजिट भी बनाओ सिक्स डिजिट भी बनाओ ठीक है तो सर ऐसे क्या वन डिजिट टू डिजिट और थ्री डिजिट नंबर फूल कैसे अगर आप वन डिजिट टू डिजिट या थ्री डिजिट नंबर बनाओगे तो वो आपका जो भी नंबर बनेगा वो टू थाउजेंड से बड़ा होगा ही नहीं तो टू थाउजेंड से बड़े नंबर्स के लिए या तो आपका डिजिट फोर डिजिट नंबर होगा या तो आपका नंबर फोर डिजिट नंबर होगा या तो आपका नंबर फाइव डिजिट नंबर होगा ठीक है हमने फोर डिजिट नंबर तो यहां पर बना ली कि नाइनटी सिक्स फोर डिजिट नंबर आपके पास आ जाएंगे ठीक है अब आओ देखते हैं कि फाइव डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं बड़ा ही सिंपल हो जाएगा हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है एंड वी फाइव प्लेसेज टू फिली फोर फाइव इन फिल दिस प्लेस इन फाइव ना क्योंकि कोई भी फाइव डिजिट नंबर सॉरी अगर मैं कोई भी फाइव डिजिट नंबर बनाऊंगा अगर मैं कोई भी फाइव डिजिट नंबर बनाऊंगा तो वो दो हजार से तो बड़ा ही होगा आप सोचो, ना? ठीक है? तो कोई भी फाइव डिजिट नंबर अगर मैं बनाऊंगा अगर मैं कोई भी फाइव डिजिट नंबर बनाऊंगा तो वो नंबर एनी वे टू थाउजेंड से बड़ा ही होगा ठीक है तो अब यहां पर दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन फाइव वे सपोज इसको टू से मैंने भर दिया

तो टोटल नंबर कितने आ गए नाइनटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी एंड आंसर इज टू हंड्रेड एंड ठीक है सर 96 सिक्स प्लस टू हंड्रेड एंड प्लस वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि नाइनटी सिक्स आपने नंबर ऐसे बनाए जो कि फोर डिजिट नंबर्स से जो कि दो हजार से बड़े थे और आपने 120 नंबर्स ऐसे बनाए जो कि फाइव डिजिट नंबर्स से और वो भी 2000 से बड़े थे ठीक है तो आपके पास टोटल कितने नंबर हो गए नाइंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड सिक्स ठीक है दो सौ सोलह नंबर आपके पास ऐसे हो गए जो कि टू थाउजेंड से बड़े होंगे कैन बी यूजिंग द राइट कुछ लोगों को अगर यह समझ में नहीं आया अभी भी कि 96 प्लस 120 कैसे हुआ तो आप अब इसको दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करो वैसे तो कॉमन सेंस है लेकिन फिर भी अगर कॉमन सेंस से नहीं समझ में आ रहा तो मैथ से समझाता हूं ठीक है आपका ना ये जो बनेगा ना फोर डिजिट नंबर वाला दिस इज नोन एज केस वन दिस विल बी नोन एज केस वन या तो फोर डिजिट नंबर्स और ये बनेगा आपका केस और रूल्स ऑफ काउंटिंग के मुताबिक और क्या होता है और होता है प्लस ठीक है तो 96 सिक्स प्लस वन ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड ठीक है जी गेरिंग इट एवरी वन आई होप सबको समझ में आ रहा है तिलक पतिदार इफ लेस देन थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड दिया हो तो जब आएगा तब की तब देखेंगे ठीक है ऐसे तो क्या होगा ना तिलक के हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे इफ्स आ जाएंगे अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, तो, क्या करेंगे? तो हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे इफ्स बन सकते हैं

अमेरिकन आर टूगेदर एंड ऑल्सो फाइन द नंबर वाला क्वेश्चन हो गया ठीक है I1, दो इंडियन है आई वन आई टू दो अमेरिकन है ए वन ए टू दो रशियस है आर वन आर टू ठीक है तो दोनों इंडियन साथ में होंगे दोनों अमेरिकन साथ में होंगे दोनों रशियन साथ में होंगे तीन डिस्टिंक्ट यूनिट्स बनी फैक्टोरियल। दो इंडियन अरे दो अमेरिकन में इन फैक्टोरियल दो ये आता है आपका फोर्टी एट ऑप्शन सी इज योर आंसर ठीक सर

उसके बाद चार भाई B1, B2, B3, B4, ठीक है कितनी डिस्टिंक्ट ठीक है कितनी एक दो तीन चार पांच राइट एक दो तीन चार पांच फाइव फैक्टोरियल आपस में अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल वेज तो वन ट्वेंटी इंटू सिक्स कितना होता है 120 6 is 720, तो, इसका तो आ जाएगा सेवन ट्वेंटी पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया सेवन ट्वेंटी दूसरा वाला पार्ट देखो If no two sisters sit together, कोई भी दो बहनें साथ में नहीं बैठेंगी ठीक है तो अभी देखो ध्यान से सुनना इसको क्योंकि आप लोगों के मन में कई सारे सवाल आएंगे और वो जितने भी सवाल होंगे उन सबका जवाब मैं दे दूंगा ठीक है लेकिन उन सबका जवाब देने के बाद भी आपको समझ में तभी आएगा अगर आप लोग यहां पर पूरी अटेंशन पे करोगे आप अपना दिमाग अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अगर वैसा हुआ तो क्या होगा ठीक है उस वाले क्वेश्चन में तो ऐसे किया था इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसे कर रहे हैं इसमें वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें ऐसा क्यों नहीं किया था ये सारी चीजें बंद कर दो क्योंकि इन सबके जवाब में आपको खुद दूंगा ठीक है मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में इसको सॉल्व करते हुए कौन सा क्वेश्चन आएगा फिर उस वाले क्वेश्चन से मैं कंपेयर भी करके बता दूंगा सब बता दूंगा आप लोगों को राइट तो अभी आप लोग बस इधर ध्यान दो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ठीक ये कौन है यार विवेक कुमार कह रहा है फाइव फैक्टोरियल कैसे आया विवेक भाई क्या कर रहे हो आप क्या करो फाइव डिस्टिंग यूनिट है ना एक दो तीन चार पांच या तो आप एकदम नए हो ठीक है या तो आपने पुराना कभी कुछ पढ़ा नहीं हो और आप एकदम से आप आज आज आ गए आज के हाँ, हाँ, मैं देखूंगा या फिर आपने पुराना कुछ रिवाइज नहीं किया क्योंकि इसी टाइप के तो आज की क्लास में ही हम पता नहीं कितने सारे कर चुके हैं ठीक है दिखाऊं आपको ये वाला क्वेश्चन थ्री फैक्टोर यहां पर आपने पूछा होगा थ्री फैक्टोरियल कैसे आया उसके बाद और कितने सारे क्वेश्चन यहां पर भी आपने पूछा होगा थ्री फैक्टोरियल कहां से आया यहां पर भी आपने पूछा होगा सिक्स फैक्टोरियल कहां से आया ये ड्रॉट वाले क्वेश्चन से तो हम लोगों ने आज करना स्टार्ट किया था ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा विवेक भाई तो देखो या तो आप एकदम नए हो ठीक है या फिर आप अगर पुराने हो तो आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो दोनों में से एक ही चीजें हो सकती हैं ठीक है चलिए एनीवे anyway, तो आ जाओ भाई इधर देख लो आप राइट right? तो हाँ मैं ये आप लोगों से कह रहा था कि बहुत ध्यान से सुनना जितने भी आपके मन में सवाल आएंगे वो सब सवालों का जवाब मैं यहां पर दे दूंगा ठीक है चलिए आइए देखिए नो टू सिस्टर्स सिट कोई भी दो बहनें साथ में नहीं बैठेंगी ठीक है कंडीशन है कि मैं भी दो बहनों को साथ में नहीं बैठने दूंगा ठीक है उसके पीछे के कई सारे हो सकते हैं रीजन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे पहले हम सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो कोई भी अगर भाई या बहन ऑफेंड हो रहा है कि क्यों बहनों को साथ में क्यों नहीं बैठने दे रहे

राइट में और लेफ्ट में दोनों में कोई ना कोई भाई होना चाहिए ठीक है दो बहनें साथ में नहीं बैठेंगे तो सपोज मैं एक बहन हूं तो मेरे राइट साइड मेरी कोई और बहन नहीं होगी ठीक है जस्ट इमेजिन आई एम अ गर्ल ठीक है तो मेरे राइट साइड कोई और लड़की नहीं होगी मेरे लेफ्ट साइड कोई लड़की नहीं होगी मेरे राइट साइड भी मेरा कोई भाई होगा और मेरे लेफ्ट साइड भी मेरा कोई भाई होगा ठीक तो अगर भाइयों के बीच में ही बहनों को बैठाना है तो पहले भाइयों को अरेंज कर देते हैं अगर भाइयों के बीच में ही बहनों को बैठाना है तो पहले भाइयों को अरेंज कर देते तो यहां पर आ गए सपोज ये चार भाई है ना बी वन बी टू बी थ्री बी फोर चार भाइयों को अरेंज कर दिया वीज फोर ब्रदर्स कैन बी अरेज इन फोर फैक्टोरियलवेज इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती किसी को भी ठीक है नाउ इफ वी वॉन्ट दैट नो टू सिस्टर्स सिट टूगेदर वांट कि कोई भी दो बहनें साथ में ना बैठे तो बहनों के लिए कौन कौन सी जगहें बचती है हमारे पास एक दो तीन चार पांच ठीक है इन पांच जगहों पर अगर मैंने तीन बहनों को बैठा दिया तो सारी बहनें अलग अलग हो जाएंगी ठीक है ना अगर मैंने यहां पर एक बहन को बैठाया तो इसके इधर कुछ कोई नहीं है एक भाई इधर आ गया मैंने यहां पर अगर एक बहन को बैठाया तो इसके इधर भी एक भाई इधर भी एक भाई यहां अगर किसी भी बहन को बैठाया बैठाया तो इधर एक भाई और इधर कोई नहीं राइट तो यही पांच पोजिशन है जिनमें मैं तीन बहनों को बैठा दू अगर तो नो टू सिस्टर्स विल सिट टूगेदर राइट तो दीज फाइव पोजिशन में से मुझे तीन पोजिशन को पहले सेलेक्ट करना होगा फाइव सी थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियन फोर फैक्टोरियन इंटू फाइव पी थ्री तो ये तो क्या आएगा ट्वेंटी फोर इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री यानी सिक्सटी फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सिक्सटी ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सेंड वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी तो 720 और 1440 ये आपका आंसर आ गया ठीक है अब आपके मन के सवाल पहला सवाल आपके मन में जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा सपोज सर, सर सपोज आपने यहां पर एस वन कर दिया यहां एस टू कर दिया यहां एस थ्री कर दिया ठीक है सपोज आपने यहां एस वन यहां एस टू और यहां एस थ्री कर दिया अब क्या हुआ आओ भाई अब क्या हुआ कि ये वाली पोजिशन तो गाय गायब ये वाली पोजिशन गायब ठीक है तो अब इससे क्या हुआ दो भाई जो है बी थ्री और बी फोर यह दोनों भाई तो साथ में आ गए ठीक है आपके मन में सवाल आपके मन में क्या सवाल है कि सपोज यहां पर और को बैठा दिया तो उसके बाद ये वाली तो कोई बैठा नहीं बी थ्री और बी फोर साथ में आ गए ठीक है तो क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी लिखा है कि दो भाई भी साथ में नहीं बैठेंगे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि दो भाई भी साथ में नहीं बैठेंगे क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना लिखा था कि दो बहनें साथ में नहीं बैठेंगी बहनों को हम लोगों ने अलग अलग बैठा दिया ठीक है भाई अगर साथ में बैठ गए तो क्वेश्चन को कोई टेंशन नहीं है तो हमें भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया ठीक है आई होप पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया आपके दिमाग में पहला सवाल यही आया होगा कि यार ऐसे तो दो भाई साथ में आ गए ठीक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दूसरा सवाल आपके मन में क्या आ रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था <coughs> ये वाला एक क्वेश्चन हमने किया था ये वाला ये कि टेन एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट टू पर्टिकुलर पेपर्स नेवर कम टुगेदर तो हमने यहां पर क्या मेथडोलॉजी लगाई थी टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग टेन पेपर्स माइनस द नंबर ऑफ वेज सच दैट टू पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर ठीक है माइनस सच दैट टू पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर हमने यही वाली मेथोडोलॉजी उस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाई ठीक है हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो सर वहां पर भी तो यही था ना नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर यहां पर भी यही है टू एग्जामिनेशन पेपर्स डोंट कम टुगेदर

ऐसा नहीं लिखा है कि दो पर्टिकुलर सिस्टर शुड नेवर सिट टुगेदर ऐसा लिखा है कि कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती ठीक है उसमें ऐसा लिखा है कि कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती अगर वहां पर भी दो पर्टिकुलर बहनों के बारे में बात होती तो हम उस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करते मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां पर रटने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहां पर हर क्वेश्चन आपको एक नया चैलेंज देगा हर क्वेश्चन को आपको अलग मानकर उसको समझना होगा कि भाई तू कहना क्या चाहता है चल मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं यहां पर ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हाँ ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो गया ये वाले फॉर्मुले से हो जाएगा ये उस वाली टेक्निक से हो जाएगा नो no! ये वैसा चैप्टर है ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है तभी पहले दिन से मैं आप लोगों से कह रहा था कि हर क्वेश्चन विल विल गिव गिव यू यू न्यू क्वेश्चन प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी होगी ठीक है और अगर आपने क्वेश्चन को रिलेट करना शुरू किया ना ये तो उस जैसा ये ये तो उस जैसा है, ये तो उस जैसा है, तो उस जैसा जैसा है नॉट बी एबल टू सॉल्व द ठीक है तो एक बार फिर से बता रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में इसने हमें दो पर्टिकुलर पेपर्स के बारे में पहले ही बता दिया था कि ये दो पर्टिकुलर पेपर्स हैं जिनको साथ में कभी भी नहीं होना चाहिए तो हमने कर दिया था कि अच्छा ठीक है टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम वो सारे वेज निकाल देते हैं जिनमें ये दो पर्टिकुलर पेपर्स हमेशा साथ में है लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं है सिट टुगेदर है? नहीं नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ही अलग है इस वाले क्वेश्चन में तीन बहने और कहा है कि कोई भी दो बहने साथ में नहीं बैठेंगी ठीक है तीसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर हम उसी तरीके से कर भी दें मान लीजिए हम उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी कर दें तो क्या आंसर नहीं आएगा आ ही नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता सॉल्व करके दिखाओ सॉल्व करके दिखाने से पहले मैं आपको लॉजिकली सुचवाना चाहता हूं पहले ठीक है सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है आप सॉल्व करोगे कैसे आप करोगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज पीपल तो ये कितने आ गए चार भाई हैं तीन बहने पांच है साथ सेवन फैक्टोरियल आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज पीपल

तो आपके पास पता है क्या वेज आए आपके पास आंसर जो आया वो आए नंबर ऑफ वेज सच सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर ठीक है हाँ तो सर वही तो बात हो गई नहीं वो बात नहीं हुई कैसे थामो जरा अपने आप को पहले मुझे रिपीट करने दो ठीक है सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे जस्ट पहले मुझे थोड़ा सा रिपीट करने दो ठीक है मैंने क्या बोला

लेकिन इनमें से दो तो साथ में आ ही जाएंगे ना अगर आप तीनों के साथ में होने वाले नंबर ऑफ वेज को माइनस कर रहे हो तो आपके पास आया थ्री सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर और यहां क्या है कि कोई भी दो बहनें भी साथ में नहीं बैठेंगी ठीक है अगर आपके पास वो आया थ्री सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर तो थ्री सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर कोई बात नहीं दो लड़कियां तो साथ में बैठ सकती है ना आपके हिसाब से जो आपका आंसर आया उसमें अगर टू सिस्टर्स आर टुगेदर तो आपके हिसाब से वो सही हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो सारे वेज माइनस कर दिए जिनमें तीनों बहने साथ में हो ठीक है तो अगर तीनों बहने साथ में होने वाले तरीकों को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास जो भी तरीके बचे वो कौन से तरीके बचे कि तीनों बहने साथ में ना हो ठीक है अगर तीनों बहने साथ में नहीं होंगी तो दो बहने तो साथ में हो सकती हैं आपका आंसर वो आ जाएगा ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग सच दैट थ्री सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं है क्वेश्चन में तो कहा है कि कोई भी दो बहने साथ में नहीं हो सकती तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को और आप किसी तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते हो तो आपको हर क्वेश्चन को समझ के उसका लॉजिक समझना होगा ठीक है कि आपने पहले चार भाइयों को बैठा दिया उसके बाद आपको ये देखना है कि कोई भी दो बहनें आपस में साथ में नहीं बैठेंगी और अगर कोई भी दो बहनें साथ में नहीं बैठेंगी अगर कोई भी दो बहनें साथ में नहीं बैठेंगी तो उनके लिए ये पोजीशंस बचती हैं और इन पोजीशंस में आप इनको अरेंज कर दोगे क्या ये बात आप सबको अब समझ में आ रही है क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है नया पड़ाव नई पहेली कैसे पर कर पाएंगे बच्चे इन पड़ावों को पार जानने के लिए देखते रहिए निष्टेन भैया को अन अकेडमी सी फाउंडेशन प्रो पर रोज सुबह आठ बजे तब तक बाक है वेरी नाइस बहुत बढ़िया ठीक गेटिंग इट एवरी अभी सबको समझ में आ गया होगा सारे डाउट्स क्लियर जितना भी सोच सकते थे आप लोग अगर ऐसा हुआ तो क्या उस वाले में तो ऐसा किया था ये वो सब क्लियर एवरीथिंग क्लियर वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं टू गर्ल्स एंड नो टू बॉयजुदर नो टू सिट टूगेदर एंड नो टू बॉयज सिट टूगेदर फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन मैंने कहा चलो ठीक है पहले भाइयों को बैठा देते पहले लड़कों को बैठा देते सिक्स बॉयज है ना पहले सिक्स बॉयज को बैठा देते हैं आओ पहले सिक्स बॉयज को बैठाते बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स फैक्टोरियल ठीक है अब इफ वी वॉन्ट नो टू गर्ल्स टू सिट टूगेदर तो गर्ल्स के लिए कौन कौन सी जगह बचती हैं एक, दो तीन चार पांच छ सात ठीक है इन सात में से मैं कितनी गर्ल्स हैं फाइव गर्ल्स हैं पांच पोजिशन को सेलेक्ट करूंगा और उसको अरेंज करूंगा इन फाइव फैक्टोरियल वेज तो ये मेरा सेवन पी फाइव बज जाएगा सिक्स फैक्टोरियल इंटू सेवन पी फाइव तो ये क्या हो जाएगा सिक्स इंटू वन ट्वेंटी इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री कितना आता है सिक्स इंटू वन ट्वेंटी क्या आएगा एटीन थाउजेंड फोर्टीन हंड्रेड एटीन लाख फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है क्या है आपका आंसर एटीन लाख फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है ये कंप्लीटली गलत हो रहा है ये कंप्लीटली गलत क्यों हो रहा है ध्यान देना कि आपने कहा कि इन सात पोजिशन में से मैं कोई भी पांच पोजिशन को सेलेक्ट करके वहां पर लड़कियों को बैठा देता हूं मैंने कहा चलो आ जाओ बैठाते हैं ऐसा लड़कियों को रेड कलर से डिनोट कर देते हैं ठीक है ठीके? तो सपोज यहां G1 हुआ यहां G2 हुआ यहां G3, यहां G4, यहां G5, पांचों लड़कियों में से कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठी ठीक है पांचों लड़कियों में से कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठी लेकिन ब्लंडर क्या हो गया ब्लंडर हो गया कि ये और ये पोजिशन अब गायब हो गई और जैसे ही ये दोनों पोजिशन गायब हो गई तो बी फाइव और बी सिक्स साथ में आ गए ठीक है B5 और B6 साथ में आ गए और क्वेश्चन ने लिखा था नो टू बॉयज सेट टुगेदर ठीक है तो अगर मैं इन सात पोजिशन में से पांच पोजिशन को सिलेक्ट करके वहां पर गर्ल्स को अरेंज करता हूं तो कोई ना कोई दो लड़के या तीन लड़के साथ में आ ही जाएंगे ठीक है तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप पहले लड़कों को बैठाइए छह लड़कों को B1, B2, B3, B4, B5, B6 और लड़कियों के लिए आप यह देखिए एक दो तीन चार पांच आप ना तो इधर वाली पोजीशन को काउंट करिए ना तो इधर वाली पोजीशन को काउंट करिए आप लड़कियों के लिए सात ऑप्शंस रखिए ही मत ठीक है लड़कियों के पास क्लियरली सिर्फ पांच ऑप्शंस बचते हैं और अगर लड़कियों के पास सिर्फ पांच ऑप्शन है और हमारे पास पांच लड़कियां हैं हमारे पास पांच लड़कियां हैं तो जी वन जी टू जी, जी थ्री G4, G5. आ गया सिक्स बॉयज कैन बी अरेज फाइव गर्ल्सोरियल सिंपल ठीक है तो क्या हुआ था कि यहां और यहां पर हमने जो पोजीशंस बनाई थी पहले गर्ल्स के लिए उनको एलिमिनेट कर दो उनकी जरूरत ही नहीं है पर सर पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया था क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी कि दो भाई साथ में नहीं बैठ सकते

तो so, इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल इंटू वन टी एस थाउजेंड फोर हंड्रेड ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर सब को समझ में आ गया बोलो निष्ठ वेरी नाइस वेरी इंटरेस्टिंग सौरभ पात्रा थैंक यू ठीक है सर करेंगे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले गर्ल्स को बैठा दो आई एम जस्ट सेलिंग यू कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले गर्ल्स को बैठा दो गर्ल्स नो टू गर्ल्स नीड टू सिट टुगेदर ना तो पहले गर्ल्स को बैठा दो जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव तो फाइव फैक्टोरियल उसके बाद बॉयज को नो टू बॉयज सिट टुगेदर एक दो तीन चार पांच छ तो छह ही पोजिशन बचती हैं तो सिक्स फैक्टोरियल तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे हमने क्या किया हमने पहले बॉयज को बैठाया तो गर्ल्स के लिए सात पोजिशन बच गई तो हमें सोचना पड़ा कि अच्छा ठीक है दो पोजिशन को एलिमिनेट कर देते हैं अब गर्ल्स के लिए पांच ही पोजिशन बचती है साथ में ना बैठे अगर आप गर्ल्स से शुरू करते तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती पहले आप गर्ल्स को बैठा देते फाइव फैक्टोरियल वेज में फिर बॉयज के लिए छह जगहें बचती इन छह जगहों में से आप लड़कों को छह फैक्टोरियल वेज में बैठा सकते थे मजा आ रहा है जी मुस्कान वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया साक्षी दुबे ऑप्शन सी इज दी आंसर ठीक थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए आइए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने द द नंबर ऑफ वेज इन लेटर्स ऑफ द वर्ड दर्ड कैन बी इज ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एट फैक्टोरियल आपका आंसर फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी ऑप्शन बी इज योर आंसर ठीक है ऑप्शन बी इज योर आंसर यहां पर तो अरेज है ना आप लोगों को याद आ रहा होगा वो वाला कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जिसमें फैक्टोरियल माइनस किया था ठीक है तो उस वाले क्वेश्चन में रीअरेंज था यहां पर क्या है सिर्फ है तो द नंबर ऑफ वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी फैक्टोरियल अगर यहीं पर रीअरेंज हो जाता तो माइनस वन करना पड़ता इसमें से ठीक है आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ अरेजमेंट ऑफ टेन डिफरेंट को टाइम इन विच वन करना है ठीक है, तो आपके पास दस डिफरेंट चीजें हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ठीक है आपको चार चीजें निकालकर उनको अरेंज भी करना है आपको इन दस चीजों में से चार चीजें निकालकर उनको अरेंज भी करना है तो यू हैव फोर प्लेसेस टू फिल एक दो तीन चार ठीक है फिर आपको एक पर्टिकुलर चीज हमेशा चाहिए एक पर्टिकुलर चीज आपको हमेशा ही चाहिए तो सपोज दैट पर्टिकुलर चीज जो हमेशा चाहिए दैट इज नाइन ठीक है बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना सपोज द पर्टिकुलर थिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्ट इज नाइन ठीक है अब मुझे बताओ इन तो मेरा सेलेक्ट हो ही गया नाइन तो मेरा सेलेक्ट हो ही गया ठीक है मुझे अरेंजमेंट भी तो करना है इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज दिस जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज नाइन कम ऑन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज नाइन ध्यान से देखो लॉजिकली देखो और लॉजिकली मेरे को आंसर दो इन हाउ मेनी वेज कैन अरे कौर कह रही है वन सागर फोर रानी वन मनदीप वन कार्तिक फोर अक्षरा नाइन साक्षी वन पवन फोर शिवांगी फोर धीरज आप लोग वन बोल रहे हो रूपल राउत, बोल रहे ऑल राइट तो द करेक्ट आंसर इज फोर क्लियरली देखो ना यार नाइन कैन बी हियर और हियर ये वही वाला क्वेश्चन है ना यार मैंने सबसे पहले आकांक्षा से कहा जा जी अपनी जिंदगी आकांक्षा हैड फाइव वेज टू बी सीटेड आकांक्षा कैन सेट ओवर हियर और हियर और हियर और हियर और हियर तो वही वाली बात है ना पहली दूसरी क्लास लॉजिक कॉन्सेप्ट दिमाग कॉमन सेंस बस है ना ये वही वाली बात है आकांक्षा से मैंने कहा आकांक्षा को सेलेक्ट कर लिया मैंने कहा जा बैठ जा जी ले अपनी जिंदगी तो आकांक्षा कैन बी सीटेड इन फाइव वेज अब आपको समझ में आ रहा है कि जब मैंने ये वाली चीज आप लोगों को बताई थी तो मैंने क्यों कहा था कि पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं फिर इन प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कई सारे क्वेश्चन में इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हम लोग प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना इन हाउ मेनी वे कैन दिस प्लेस भी फिल्ड तो नंबर क्योंकि दो हजार से बड़ा होना चाहिए तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली थ्री वेज और फोर वेज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन

आओ 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 भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई इसलिए मैंने पता है कोई भी पुरानी स्लाइड मैंने डिलीट भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो मैं पुरानी स्लाइड डिलीट कर देता हूं मतलब टाइटल स्लाइड के बाद इंट्रोडक्शन के बाद सीधा स्टार्ट विद अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था चलो इसके आगे से देखते हैं लेकिन यहां पर ऐसा कभी नहीं हो रहा है यहां पर मैं पूरा बैठ के सारी की सारी स्लाइड आगे कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे एनोटेशन वाली स्लाइड मुझे आप लोगों को बीच बीच में दिखानी पड़ जाएंगी ठीक है तो चलो अभी यहां पर क्या हो गया द नंबर नाइन कैन बी वेज आई आ रही है क्योंकि जो है वो या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। तो द नंबर नाइन कैन बी वेज ठीक है अब देखो सपोज नाइन को मैंने इधर बैठा दिया तो नाउ दिस प्लेस इज गॉन राइट हमें टोटल चार चीजें चाहिए थी हमें टोटल चार चीजें चाहिए थी इनमें से एक चीज तो आ गई तो अब हमें तीन तीन ही ही प्लेस चीजों को हमेंट करना है ठीक है और अब हमारे पास आइटम्स कितने बच बच गए गए नौ आइटम्स एक दो तीन चार पांच छत आठ नौ गया तो अब हमारे पास नौ आइटम्स बचे तो नाइन सी थ्री अब नौ में से तीन आइटम्स को सेलेक्ट करना है और इनको अरेंज भी करना है तो इंटू थ्री फैक्टोरियल तो ये आपका क्या हो जाएगा फोर इन नाइन पी थ्री ठीक फोर इंटू नाइन पी थ्री एंड दिस इज फोर इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन कितना आता है फोर इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन एंड दंसर इज टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है जब इनमें से इन दस आइटम्स में से एक पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट कर लिया तो आप तो तीन ही आइटम्स को सेलेक्ट करना है ना और अब आपके पास दस आइटम्स बचे भी नहीं अब नौ ही आइटम्स तो बचे तो नौ में से तीन आइटम्स को सेलेक्ट करो उनको अरेंज करो इन एज पॉसिबल तो थ्री फैक्टोरियल से हो जाएगा अरेंज कर सकते हो आई हो आपको बुक में आपको एक फॉर्मुला दिखाई देगा फॉर्मुला पता है क्या होगा फॉर्म्यूला होगा द नंबर ऑफ टेकन आर एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स आर इन एन माइनस वन पी आर माइनस वन ई होप आपको समझ में आ रही है फॉर्मूला कहां से आया आर फोर इंटू एन माइनस वन टेन माइनस वन नाइन पी पी आर माइनस वन फोर माइनस वन थ्री तो फोर इंटू नाइन पी थ्री अब आप लोग चाहो तो आप लोग ये फॉर्मूला रट सकते हो चाहो तो इसको लॉजिकली समझ सकते हो ठीक है शन आई सिंसियरली हो आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा हमारा एकाग्रता टू पॉइंट के लिए थर्ड जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ये उस बैच की हाईलाइट आप अपने सामने कुछ देख सकते हो और ये उस बैच का टाइम टेबल है यहां पर जब भी आप अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप मेरा कोड यूज करोगे निश्चे उसको अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा मैं फटाफट से अकेडमी की वेबसाइट पर ले जाकर आप लोगों को बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो आप अकेडमी की वेबसाइट पर आओगे यहां पर आप लॉग इन करके अपना गोल सेलेक्ट करोगे सी ए फाउंडेशन उसके

के लिए आपको सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन सिर्फ 44960 रुप में मिल जाएगा एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी प्रोवाइड एट अन अनअकैडमी इज अनपैरेलल्ड रियली सो डू सब्सक्राइब टू अन अनअकैडमी प्लस एंड यूज माय कोड निश10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन टेक केयर बाय बाय